Allahumma, starting with the name of the God is most merciful and beneficent in the world. Prabhujitriya ka, आज का जो हमारा टॉपिक है 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 and 2. इस क्वेश्चन में जो नई चीज है, क्योंकि पहले तो हम सिंपल डेरिवेटिव पढ़ते रहे हैं, वो तो आखिर आगे आता है डेरिवेटिव का. इस क्वेश्चन में भी डेरिवेटिव किया, पर जो नई चीज है वो है सेकंड डेरिवेटिव. हमने अभी तक सेकंड डेरिवेटिव नहीं था पढ़ा. सेकंड डेरिवेटिव में क्या चीज है, क्या आपने जो एक डेरिवेटिव लिया होगा उसी के बाद से सेकंड डेरिवेटिव मार्जिन डेरिवेटिव में देखेंगे. इसको कहते हैं y2. ठीक है, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि क्या चीज है, y हमारे पास गिवन होगा, y1 कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, y ये हमने पहले पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, y1 का y2 हो जाएगा जिस सेकंड डेरिवेटिव. स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही डेरिवेटिव बड़ा पढ़ा हुआ है, पहले चेंज से जब डेरिवेटिव भी पढ़ के आए. तो अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें क्या होगा, 2 5 10 x की पावर 4 माइनस 3 4 12 x की पावर 3 प्लस 4 3 12 x की पावर 2 प्लस 1. यह अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव, नेक्स्ट हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो इधर से स्टार्ट करेंगे सिंपल. अगर आप थोड़ा सा इसको छोड़ दो, बाहर बार छोड़ दो, ये बाहर है, तो हमें आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालने में कोई इशू नहीं होना चाहिए. अब y2 दोबारा वैसे में डायरेक्ट कर रहा हूं, इक्वल टू 10, पावर है पावर पहले आ जाएगी 4, पावर में से एक हम x 4 में से कम करूंगा 3 बच जाएगा. पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव डेफिनेटली 1 में सब हम नहीं लिखते, माइनस 12, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब एक कम करूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 में सब हम नहीं लिखते, प्लस 12 वैसे ही इसकी पावर 2 में पहले आ जाएगी, पावर में से एक काम करूंगा तो वो सिंपल x की पावर 1 बन जाएगी. और ये जो 1 है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता ही नहीं, वो 0 होता है. ठीक है, तो यहां से इसको y2 आ गया, मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं. सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 40, x की पावर 3 माइनस 12 इनटू 3 हो जाएगा हमारे पास 36, x की पावर 2 प्लस 12 इनटू 2 हो जाएगा 24x. ये हमारे पास आ गया y2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, अब दूसरी चीज हम लेकर के आ रही है, दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा थोड़े डिफरेंट है, तो मैं सारे के बारे जा रहा हूं, पर आपने प्रैक्टिस इसकी जरूर करनी है. अब इसी तरह से इसका हमारा क्या होगा, सिंपल रूल है, जब आपका पावर आ जाएगी ना अपने डेरिवेटिव जब निकाल रहे तो पावर रूल लगाओ. y1 क्या होगा, पावर है तो पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक काम, पावर के बगैर डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x प्लस 5. इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, क्या 3/2 2x प्लस 5 पावर का 3/2 में से जब एक में काम करूंगा तो मेरा ऊपर सिंपलीफाई कर देना, माइनस 1 नीचे करूंगा, नीचे इधर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ 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 लिख के आ जाएगा मेरे का 3 - 2 / 2 ये जगह 1/2. क्या देखा, जब नीचे वाले दोनों वैल्यू डिफरेंट हो, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
इसको इससे ज्यादा मल्टीप्लाई कर इसको इससे ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 3 से करवा 3 2 को 1 से करवा 2 फिर यहां पे माइनस तो 3 माइनस 2 होता है 1 1 बाय 2 तो अब इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 बाय 2 अब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं दरमियान में का प्लस का साइन है तो हमने पढ़ा था प्लस जो है वो हम अलग अलग डेरिवेटिव दोनों का ले सकते हैं अब 2x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे डेफिनेटली 2x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2 और 5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0 क्योंकि हमारे पास है ये कैंसिल हो गया इसको कैंसिल कर देते हैं तो भाई बार हमारे पास आ गया 3 * 2x + 5 की पावर 1/2 ठीक है अब नेक्स्ट अभी हम निकल रहे हैं y हमें चाहिए y2 तो दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं y2 3 वैसे अब इसका डेरिवेटिव बेसिकली फंक्शन ये कांस्टेंट का वाला ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन का ये कांस्टेंट है पावर आ गया 1/2 पावर पहले लूंगा मैं 1/2 पावर में से 1 कम 2x + 5 पावर में से 1 कम से मुराद बेसिकली ये है जो फंक्शन की जो भी पावर है उस पावर में से माइनस 1 कर दो ठीक है पावर में से 1 काम कर दिया ठीक है और पावर में क्या इसका डेरिवेटिव का ये डिवाइड dx ऑफ 2x + 5 सेम एज अबाउट ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं 3 * 1 3/2 हो जाएगा 2x + 5 वैसे ही आ गया पावर 1/2 माइनस 1 इसका आप वैसे ही आते हैं नहीं तो ये देखो माइनस 1/2 अब दोबारा से लेंगे 2x + 5 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 जो के कांस्टेंट है बाहर आएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 होता है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन ये आंसर हमारे पास क्या ऑप्शन 3 * अगर ये जो माइनस है इसको मैं नीचे ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 ठीक है ये भी हो सकता है या हो सकता है उससे 1/2 की जगह आपके पास अंडर रूट लिखा हो तो ये दोनों आंसर कैन बी राइट ठीक है अब ये भी होगा इसका आ जाते हैं इसमें क्या करना पहले इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रेट कर दो वाई का देखिए एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 ये बेसिकली अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/2 जब नीचे से ऊपर आएगा ये वाला अंडर रूट तो माइनस 1/2 हो जाएगा ये आपने नाइन में पढ़ा होगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है रेगुलर फॉर्म होती है अभी ये आसान ही है कि अंडर रूट की पावर होती है 1/2 वो आप देखिए अब निकालते हैं जी डेरिवेटिव क्या है इसमें लास्ट अंदर में आपने पढ़ा था कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं तो बाय 1 क्या है इसका डेरिवेटिव अब इसमें पावर है तो डेफिनेटली पावर रूल लगेगा पावर पहले आ गई पावर में से 1 और x की पावर 1/2 में से 1/2 में से माइनस 1 कर दिया और पावर के बगैर डेफिनेटली x है तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है प्लस ये भी यहां पर भी पावर रूल लगेगा पावर पहले पावर में से 1 का माइनस 1/2 तो माइनस 1 पावर के बगैर डेफिनेटली x बचेगा तो उसका डेरिवेटिव भी बन जाता है ठीक है इसमें मेरा नहीं ख्याल आपको इस फॉर्मूला में इशू होगा क्योंकि हम पहले जो 6 एक्सरसाइज है उसमें डेरिवेटिव भी करके आए हैं अगर कोई इशू होगा तो आप कर सकते हैं ठीक है या फिर आप मेंशन कर दें इंशाल्लाह आपको जवाब एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा ठीक है अब 1/2 अब x की पावर 1/2 में माइनस 1 करेंगे तो बच जाएगा x की पावर माइनस 1/2 अब ये प्लस माइनस माइनस होगा दो साइड में बैठे थे सेवन ब्रैकेट लगा दी प्लस माइनस माइनस ये 1/2 हो गया x की पावर माइनस 1/2 और माइनस बाद क्या होगा माइनस 3/2 ये आप जो मेरा व्यू पर तरीका होता है एलसीएम का वो आंसर आ जाएगा इधर से आप दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो पर मैं थोड़ा सा अगर इसको सिंपलीफाई कर दूं अपनी समझिए 1/2 दोनों का कॉमन ले लेते हैं अंदर बच गया x की पावर माइनस 1/2 माइनस x की पावर माइनस 3/2 ये है बाय 1 अब क्या करना है बाय 2 निकालना है यानी सेकंड डेरिवेटिव तो बाय 2 क्या होगा ये जो मुझे कांस्टेंट है ये वैसे बाहर आ जाएगा ठीक है इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर क्या पावर है अगर इस पॉजिटिव चीज को आप मल्टीप्लाई कर दिया ना देखो x पावर माइनस 1/2 बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेटिव निकाल लेते जैसे इसका कर रहा इसकी पावर का ले पावर में से एक का पावर को क्या डेरिवेटिव ठीक है अब अगर मैं 1/2 बना देता हूं हमने देख लिया तो ये मेरे ख्याल में इस क्लास में इस चीज का कोई इशू नहीं होना चाहिए माइनस 1/2 का तो पावर पहले आ गई पावर में से 1 कम कर दिया ठीक है
और पावर की क्या चीज छुपी है, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस थ्री बाई टू है तो पावर क्या होगी, पहले आ जाएगी ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस हो तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। दो वैल्यूज का मान लगा मल्टीप्लिकेशन हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, अगर डिवीजन हो तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं, पर अगर प्लस और माइनस हो तो हम एज इट इज अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। पावर की पावर पहले पावर में से ए का मान थ्री बाई टू तो माइनस वन, पावर का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव भी वन ही होगा। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं, वन बाई टू वैसे माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू माइनस वन होता है, ऐसी पावर माइनस थ्री बाई टू ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू, और ये हमारे पास होगा माइनस थ्री बाई टू माइनस वन ही होना चाहिए हमारे पास माइनस फाइव बाई टू ठीक है। ये मैंने आपको पहले किया ऊपर ऐसे तरीका आसान सा बता दिया, आप उस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक लिख दें तो भी ठीक है, आप दोनों में से ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला हुआ दोबारा कॉमन ले लें तो भी हो सकता है, टू मल्टीप्लाई ये जो नीचे वाले टू कॉमन आ गया, अंदर मान हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस फाइव बाई टू, ये दोनों में नीचे वाले टू बाहर आ गया ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर वन बाय फोर हो जाएगा, एक हो जाएगा तो जो पावर माइनस में है उसको जब मैं नीचे ले लूंगा तो वो प्लस में रहेगा, प्लस थ्री ये भी पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगी तो ये प्लस में रहेगी। तो ये तीन प्रश्न थे ठीक है। अब नेक्स्ट है अगर मेरे में क्या है इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव भी डाल लेना, रिक्वेस्ट है नंबर टू है उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में भी हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, उसमें हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू e की पावर x की पावर टू e की पावर माइनस x ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है y टू इस क्वेश्चन में जो सुनेगा y टू निकालो यानी सेकंड डेरिवेटिव, तो y वन हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक का डेरिवेटिव दूसरा वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला वैसे। अभी मैं ये कह रहा हूं एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख रहा हूं और इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, और पावर का अलग से डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि एक्स के अलावा कोई और वैल्यू आ गई, एक्स की जगह यहां पर माइनस एक्स आ गया तो अलग से डेरिवेटिव है ठीक है। एक्स की जगह कोई भी चीज वैल्यू चेंज हो गई हम अलग से पहुंचे, एक्स की जगह माइनस एक्स है, एक्स की पावर वन की जगह एक्स की पावर माइनस वन है, टू एक्स प्लस थ्री एक्स है क्योंकि उसका आंसर चेंज कर दिया, फिर बाद में प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, अभी वैसे ही एक्स की पावर टू का डेरिवेटिव क्या ले लिया, हमें पता है एक्स की पावर टू का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स, कैसे पावर है पावर पहले है लेकिन पावर एक्स की पावर टू में पावर है टू में से एक काम करूंगा तो वो वन बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाई करूं क्या बनेगा, एक्स पावर टू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, वो माइनस इधर आकर हटना आ जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू टू एक्स, टू जो कि कॉन्स्टेंट का भाई ले लिया है ठीक है। अब इधर मैं अगर देखूं सॉरी ई की पावर माइनस एक्स है और ये टू एक्स है, टू मैंने कोफिशिएंट पहले लिख दिया एक्स का, याद रखेंगे आप ठीक है। अब ई की पावर माइनस एक्स क्या है कॉमन आ ठीक है, बाकी क्या बात देखा मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है, यहाँ से ई पावर माइनस एक्स निकल आया तो ये चीज बच गई, प्लस ई पावर माइनस एक्स निकल आया तो ये दोनों बच गए ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है वाई वन, अब हम दोबारा से निकाल रहे वाई टू, तो दोबारा से प्रोडक्ट टू बताते हैं वाई टू क्या हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स प्लस ए, इसका डेरिवेटिव अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या बनता है, अब दरमियान में जो प्लस है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे हम माइनस, एक्स की पावर टू का डेफिनेटली डेरिवेटिव है बस हमने ऊपर भी किया वो है टू एक्स ठीक है, प्लस टू एक्स है तो टू एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास टू ठीक है, ये वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव ले लिया प्लस, अब ये वाली वैल्यू वैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स का
वो होता है e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही होता है, चूंकि हमारे पास इधर माइनस एक्स आ गया तो इसलिए हम पावर का एक्स का डेरिवेटिव ले तो डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इसके नेक्स्ट टाइम का हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू ये जो ई पावर माइनस एक्स है और ये जो माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन, तो ये जो जब माइनस वन इसे मल्टीप्लाई कर दी प्लस को क्या कर देगा माइनस एक्स, जब अगर हम और कर लें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्या देगा ई पावर माइनस एक्स इन दोनों वैल्यू में से कॉमन आ रहा है ठीक है, बाकी क्या बचेगा माइनस टू एक्स प्लस टू और ये क्या हमारे पास माइनस माइनस एक्स के प्लस टू एक्स ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहो मतलब थोड़ा सा मशीन सिंप्लीफाई और कर देते माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस है तो मल्टीप्लाई करो साइन चेंज है देखो माइनस एक्स के प्लस एक्स के प्लस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स, लास्ट जो इसका सरफेस एक बार माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स के लिए वन एक्स के लिए एक्स के पहले माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स लिखो माइनस फोर एक्स और एंड में कॉन्स्टेंट टू है टू ठीक है, मेरे ख्याल में काफी है इजी है सिंपल आप लिखे कर दें थोड़ा सा लेंथी हो गई वाला पिछले क्वेश्चन की नस्बत, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर टू है उसकी मैं थोड़ी सी टेक्निक बता रहा हूँ, वाई इक्वल है सेकेंड पार्ट है ये नेचुरल लॉ टू एक्स प्लस थ्री ओवर थ्री एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री ओवर थ्री एक्स प्लस टू, अगर हमें नाइन का याद हो थोड़ा सा तो उसमें क्या जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो लॉग के साथ तो हम उन दोनों को अलग अलग लॉग दे सकते हैं विद नेगेटिव साइन, मतलब वाई विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री माइनस नेचुरल लॉग ऑफ थ्री एक्स प्लस टू ठीक है, डिवाइड हो रही थी तो माइनस के साथ हम दोनों अलग अलग साइन दे रहे, अब डेरिवेटिव निकाल रहे तो वो क्या जगह पर बन पाया था विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 ओवर एक्स, अब नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ गया तो 1 ओवर दिस फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब एक्स की जगह कोई और वैल्यू आ गई तो दोबारा इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का क्या होता है 1 ओवर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यू डी बाय डी एक्स ऑफ 2x plus 3 minus फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का भी यही होगा 1 over 3x plus 2 ठीक, अब x के अलावा कोई और वैल्यू तो उसका अलग से डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ 3x plus 2, अगर मैं इधर फॉर्मूला लिख दूं इस क्वेश्चन का नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x डी बाय डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1 बाय x, अगर x की जगह कोई फंक्शन आ गया है तो आप क्या करेंगे उस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, साथ ही बात अंदर पड़ी हुई है x की जगह कोई और वैल्यू होगी हम उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल फॉर्मूला ही है नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x, अगर x की जगह कोई और आ गया तो हमने अलग से उसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर वो फंक्शन वैसे ही लेंगे, हमने ये इंप्लीमेंट कर दिया तो बाय बाय तो नहीं इक्वल टू इसको मैं ऊपर ले गया 2x प्लस 3 पर आएगा क्या देगा माइनस वन पावर दे, अब ये दो वैल्यूज के दरमियान में एडिशन है तो दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव टू का डेरिवेटिव टू एक्स का डेरिवेटिव होगा टू ठीक है, चूंकि कॉन्स्टेंट नंबर है इसलिए मैं पहले लिखा थ्री का डेरिवेटिव डेफिनेटली जीरो माइनस ये ऊपर जब आएगा तो इसका क्या पावर देगी माइनस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री टू का डेरिवेटिव जीरो ठीक है, ये वैसे मैंने बता दिया 3x x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 जब से मैंने क्या बोला था एज इट इज, अब हमने बाय 2 निकाला बाय 2 का हमने नेचुरल लॉग तो खत्म हो गया था, अब हमने सिंपल पावर रूल लगाना इसका अलग से डेरिवेटिव इसका अलग से ठीक है, इस चीज को आप छोड़ दो ये कांस्टेंट है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पावर है तो पावर पहले ठीक है 2x plus 3 function power करते हैं power में से 1 कम ठीक है minus 1 था 1 कम करते तो minus 1 होल कर दिया और power के बजाय इसका derivative d by dx of 2x plus 3 ठीक है,
ये हो गया इसका, अब इस पे आते हैं माइनस, इस पे भी ऐसे 3, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे पावर वाले पावर में से एक का, जो फंक्शन है उसकी पावर में से एक का, और पावर के क्या इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 3x प्लस, ठीक है सिंपलीफाई करते हैं क्या हमारे पास 2 1 2 ये प्लस या माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2x प्लस 3 की पावर माइनस माइनस का ये प्लस और 1 प्लस और वैल्यू और साइन जो है वैल्यू का 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 ठीक है 3x प्लस 2 ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा 3x का डेरिवेटिव डेफिनेटली 3 होता ठीक है 2 का डेरिवेटिव 0 एक और सेट कर देते हैं ये माइनस को मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा माइनस 4 और ये जो वैल्यू नीचे है ये तो प्लस हो जाएगी प्लस 3 3 का नहीं ना लेना और 3x प्लस 2 पावर नीचे है ये तो प्लस 2 हो जाएगी ठीक है अब ये हमारे पास आ गया हमारे को सिंपल है आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस क्लास में करें बल्कि ये जो ऊपर एक हदीस लिखी है इस पर अमल करें थैंक यू वेरी मच फॉर